मोदी जी ने जन संवाद के इस कार्यक्रम में संबोधित किया है। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने क्या करना है इस बारे में भी उनका संदेश मिला है। उन्होंने सारे अपने इस उद्बोधन में बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता, इसके संदर्भ में सबसे अधिक जोर दिया है। केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके संबंध में भी उन्होंने विषय को सब लोगों के सामने रखा है। कार्यकर्ताओं को कहा है कि इन सब जन कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने प्रारंभ की हैं उनको जन जन तक। ये जो वार्ड है आपका, ये लाटा वर्सेस लाहुटी, इसलिए अरे यार ये कोई प्रधान का ये विषय आज के इस संदर्भ में नहीं है। नहीं आज के संदर्भ से नहीं, अलग से पूछे। वो पूछे बाद में पूछना, कार्यालय में बैठता हूँ, कार्यालय पर बैठेंगे बात करेंगे, कार्यालय पर बात करेंगे। वो मुझसे पूछो ना भाई साहब, क्या चलिए भाई आपने बीच में क्या किया। मोदी जी ने जन संवाद के इस कार्यक्रम में संबोधित किया है। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने क्या करना है इस बारे में भी उनका संदेश मिला है। उन्होंने सारे अपने इस उद्बोधन में बूथ मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता, इसके संदर्भ में सबसे अधिक जोर दिया है। केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके संबंध में भी उन्होंने विषय को सब लोगों के सामने रखा है। कार्यकर्ताओं को कहा है कि इन सब जन कल्याणकारी योजनाएं जो उन्होंने प्रारंभ की हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक जो काम हुए हैं वो आवश्यकताएं थी उनको सरकार ने लक्ष्य करके पूरा करने का काम किया है। आगे 19 के चुनाव के बाद 24 तक जो आकांक्षाएं हैं उनको सरकार पूरा करेगी। आज के इस उद्बोधन में उन्होंने देश को भी यह संदेश दिया है कि देश को कभी मैं झुकने नहीं दूंगा और देश का विकास जो है उसको रुकने नहीं दूंगा। ये भी उन्होंने देश को भी संदेश दिया है। मैं सोचता हूं कि उनके आज के इस उद्बोधन का जो कुल सार है वो है 19 के आने वाले इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे काम में पूरी ताकत के साथ सरकार को पुनः लाने के लिए जुटे और देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं पर विश्वास करें कि उन्होंने किस प्रकार से आज देश में देश का नाम जो दुनिया में ऊंचा किया है आगे भी किसी भी स्थिति में वो देश का नाम नीचे नहीं होने देंगे, देश का विकास रुकने नहीं देंगे। ये उनका आज मुख्य संदेश है। आज कांग्रेस का देश में जो हालात बन रहे हैं उसके बाद कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी वो पोस्टपोन कर दी, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम सवालों के घेरे में है, उनका यह आरोप देश के हालात को देखते हुए इसको भी पोस्टपोन कर देना। देश के हालात को बहुत अच्छी तरह से केंद्र की सरकार टेकल कर रही है, उनको इसकी चिंता है, लेकिन देश के लोगों में एक विश्वास खड़ा होना चाहिए कि हमारा सशक्त मजबूत प्रधानमंत्री उनके सामने खड़ा है। उनको आज के इस मौके पर यह संदेश देना भी बहुत आवश्यक था, इसलिए उन्होंने ये कार्यक्रम ये संदेश दिया है।
जयपुर में कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, लेकिन आपको नहीं लगा कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं को हमने ये बुलाया है, और ऐसा कार्यक्रम ये एक ही जगह जयपुर में नहीं हो रहा है, कई जगह एक ही जगह कार्यक्रम है, वहां लोग ज्यादा दिखते हैं, लेकिन सभी विधानसभाओं में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। राजस्थान को भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया, प्राथमिकता नहीं दी, ये विषय नहीं है। उनसे जो सवाल किए हैं उन सवालों का जवाब उन्होंने दिया। आपको नहीं लगता सीनी साहब कि आपकी जो आईटी सेल है, आईटी विभाग है, उसको और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जो चैनल लगाया जाना था वो लगाया नहीं, दूरदर्शन लगा तो पूरा आपको देखने को मिलता, लेकिन बीच में रणदीप सुरदेवाला की खबरें चलने लग गई, आपके कार्यकर्ता उनको देखना पड़ा मजबूरी में। आपके सुझाव को बड़े ध्यान से सुना है मैंने। नहीं तो आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए आईटी सेल के, आपके जो? हाँ, जरूर कोशिश करेंगे। बोलते हैं आईटी को और सोशल मीडिया को मजबूत करने करेंगे। मंत्री जी के भाषण में ये कोई सवाल नहीं है। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं के सामने ये दुविधा है कि किन योजनाओं को याद रखें और किस तरीके से प्रचार करें, क्या यहाँ पर भी आपकी बात हुई कार्यकर्ताओं को, इस तरह कोई समस्या आ रही है? हमने हमने पूरी योजनाओं का फोल्डर बनाया है और सभी बूथ तक, नीचे तक और प्रमुख कार्यकर्ताओं तक हमने उसको वितरित कर दिया है। विधानसभा चुनाव में वितरित नहीं कर पाए। राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी है, वहां पर केंद्र की योजनाओं को, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा, पुरानी योजनाओं पर कैंची चलाई जा रही है। मैं सोचता हूँ कांग्रेस अपने अलावा किसी को देखना ही नहीं चाहती है। अच्छी योजनाएं किसी भी सरकार की हो, किसी भी सरकार ने उनको लागू रखना चाहिए। अभी जो भामाशाह योजना है उसके बारे में भी संदेह खड़ा कर दिया गया है। आयुष्मान भारत में केंद्र सरकार का पैसा लगना है, उसको राजस्थान सरकार ने स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण और किसानों को मिलने वाला जो पैसा है उसको भी इन्होंने इसलिए स्वीकृति नहीं दी कि इसके कारण केंद्र सरकार को इसका लाभ मिलेगा। मैं सोचता हूं ये राजनीति में छोटा मन है, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। नहीं, वो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के दौरान नई सरकार बन गई, इसलिए ये जिम्मेदारी नई सरकार की है। आयुष्मान और भामाशाह में से कौन सी, दोनों में से कौन सी अच्छी योजना है जिसको लागू? नहीं, दोनों ही योजनाएं अच्छी हैं, दोनों ही योजनाएं अच्छी हैं, इसलिए दोनों योजनाएं ही रहनी चाहिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी।